सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं और शेर अकेले। फिल्म राधे का टीजर नहीं ट्रेलर रिलीज होगा और क्या निर्माताओं ने सोचा है फिल्म राधे के बारे में, क्या इसमें कोई मार्केटिंग पेच है या फिर कोई बड़ी बात है। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ सबसे मोस्ट वांटेड भाई और बॉलीवुड के भाई सलमान खान की। आपको पता है कि इस साल सलमान खान की बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है, जैसे कि हमेशा वो ईद के मौके पर ही टपकते हैं, इस बार भी वो अपने फैंस को ईदी देने वाले हैं फिल्म राधे से। आपको बता दूं कि राधे की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और सबसे बड़ा ट्विस्ट एक बहुत ही ज्यादा आ गया है, जिससे फैंस खुश तो होंगे लेकिन दुखी भी ज्यादा होने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये फिल्म टपकने वाली है दिवाली नहीं, ईद के मौके पर, यानी कि 13 मई को इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट है। और आपको बता दूं कि निर्माताओं ने एक ऐसा बड़ा फैसला किया है जिसके बारे में आप सुन के थोड़ा सा तो शॉक हो ही जाएंगे। अब ये हो गया कि फर्स्ट लुक तो छोड़ दीजिए, टीजर भी छोड़ दीजिए, अब सारी निगाहें टिके आ गई हैं ट्रेलर के ऊपर। और ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि सलमान खान और साजिद नाडियावाला की एक और फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की वजह से इस फिल्म का ये सोचा गया है कि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज करेंगे और उस फिल्म के बारे में जल्दी से जल्दी रैपअप करेंगे ताकि फैंस के लिए दुगनी खुशी हो जाए। फिलहाल आपको बता दूं कि ये फिल्म 13 मई को रिलीज होने वाली है और इसका ट्रेलर अगर देखा जाए, मार्च हो चुका है, अप्रैल के एंड में या फिर फर्स्ट वीक के तहत ये ट्रेलर रिलीज हो जाएगा, जिसके बाद पता चल जाएगा कि मोस्ट वांटेड भाई क्या मोस्ट वांटेड फिल्म भी होने वाली है कि नहीं होने वाली, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दूं कि सलमान खान एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर आने वाले हैं और इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर देखा जाए तो सलमान खान बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि इस बार थोड़ा सा माहौल अलग है पहले की तरह, तो देखना है कि क्या होगा। तो बता दूं कि सलमान खान की इस फिल्म का थोड़ा सा और भी पेच इधर उधर हिला हुआ है। मैं बात कर रही हूँ कि इसकी ओटीटी प्लेटफॉर्म और थिएटरिकल रिलीज में भी काफी लड़ाई है। अब देखना है कि ये सारी प्रॉब्लम क्या रिलीज से पहले सॉर्ट हो जाएंगी या फिर कुछ और होने वाला है फिल्म रिलीज से पहले। आपको क्या लगता है बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। अब देखना है कि क्या इस साल सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली इस साल रिलीज कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर सलमान खान की दो फिल्में इस साल रिलीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्या बॉक्स ऑफिस पर एक नई लहर लेकर आएंगे सलमान खान और क्या उनके फैंस इस बार उनके साथ लॉयल रहेंगे या फिर नहीं, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सलमान खान की और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसकी फ्रेंचाइज स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि किक 2। आपको बता दूं कि किक आई थी फिल्म जिसमें अहमद खान ने फिल्म का डायरेक्शन किया था, अब बहुत ही जल्द इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो सलमान खान तो काफी व्यस्त होने वाले हैं। फिलहाल देखना है कि क्या ऑडियंस उनका ये बिजीपन सही में जस्टिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रीडिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।